नमस्कार, मैं आपका दोस्त विकास पंत स्वागत करता हूँ अपनी न्यू वीडियो पर। तो दोस्तों, आपको हिंदू नववर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं वो चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। तो घर में कोई है नहीं, क्योंकि आज है गांव में कलश यात्रा, क्योंकि वहाँ आज देवी के मंदिर में श्री देवी भागवत का आज से शुभारम्भ होना है, तो सब लोग वहीं शामिल होने गए हैं, तो मैं भी अभी जा रहा हूँ। बस दोस्तों, सारा मैंने लॉक कर दिया है, क्योंकि क्या है ना, जंगल के किनारे ही है हमारा घर, तो कभी जानवर वानवर भी अंदर आ जाते हैं, तो इसलिए सब बंद करना पड़ता है। बस अपने जानवर बाहर हैं, बस जो कि बाहर ही रहेंगे आज। अब देखते हैं कि हम वहाँ से कितने बजे तक आते हैं। दोस्तों, मैं भी कब का चले जाता, पर क्या है ना कि जंगल के किनारे घर होने के कारण क्या है कि जानवर घरों में आ जाते हैं, जैसे बंदर हो गए और भी जैसे चीज़ों के गाय भैंस, तो अंदर आ जाते, तो एक एक आदमी को घर में रहना ही पड़ता है। अब मैं जैसे ही माहौल मुझे सही लगेगा तो मैं वहाँ को जाऊँगा। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है मुझे, क्योंकि बंदर तो आ चुके हैं जहाँ तक का मुझे अनुमान हो चुका है। दिखाता हूँ आपको, क्योंकि वो बहुत उत्पात मचाते हैं दोस्तों यहाँ पे, अगर उन्हें कोई नहीं मिलेगा तो सब सामान फैला के वो चले जाते हैं। एक बंदा तो दोस्तों परमानेंट ही चाहिए होता है घर में, वरना तो ये ऐसा कर देते हैं। आपको क्या क्या बताऊँ, अगर आज आ गए तो इनके हाथ में खुला मिलेगा पूरा। मैं आपको एक नमूना पेश करता हूँ अभी उनका ही, बंदरों का। दोस्तों, हम घर में होते हैं तब भी उन्होंने देखो गेहूँ का क्या हाल कर रखा है, सारा खा दिया है यहाँ का पूरा, और आगे का शेष है भी यहाँ का, तो इन्होंने पूरा ख़त्म कर दिया। खाते काम में फेंकते ज़्यादा है, उड़ाते बहुत हैं, इसीलिए एक बंदा चाहिए होता है घर में। दोस्तों, अब मैं चलता हूँ, क्योंकि फिर कलश यात्रा अगर चली गई फिर मेरा पहुँचने का कुछ फ़ायदा नहीं है। कलश यात्रा देख के आते हैं, फटाफट आ जाऊँगा मैं। दोस्तों, गेट लगाते हैं अपना, फिर चलते हैं, क्योंकि इससे प्रोटेक्शन तो क्या थोड़ी बहुत तो हो ही जाएगी। गेट लगा दिया दोस्तों, चलते हैं सीधे। काम सूचित कह जाता हूँ कि बंदरों को देखना कराएंगे, तो चलते हैं। क्या तू कहीं जा रहा है? क्या तू कहीं जा रहा है? मैं जा रहा हूँ मंदिर, तो बंदर आएंगे तो देख देना पक्का। देख लेना भाई, पूरा फैला देंगे वो, ठीक है। सुधांशु से कह तो दिया है देखने के लिए, देखते हैं क्या करता है वो, बाकी उसकी इच्छा है, देखिएगा, क्योंकि क्योंकि कहना बहुत मानता है। अब मैं भी चलता हूँ मंदिर के लिए, और आज धूप आई है दोस्तों, 2 दिन बारिश होने के बाद, कल और परसों की पूरी बारिश थी, और आज धूप आई है और ठंडा भी है सुबह सुबह देखने को मिला। कल मैं बाजपुर से आ रहा था आपको, तो कोहरा भी था। आज का मौसम का भी बढ़िया वाला दिखाता हूँ आपको मैं। दोस्तों, मौसम खुलने के बाद आप देख सकते हैं मौसम, और ये रही हमारी हाथी माई, कुछ ऐसा व्यू है आज गाँव का, देख सकते हैं आप। चलता हूँ फटाफट, मिलता हूँ आपको सीधे मंदिर पे ही। कंटेंट हमारा ये गरम हो जाओ, ये चैटिंग करेगा, जो चैटिंग हो रही है इसकी वीडियो बना चुकी। Thank you.
बहुत सुंदर शोभा यात्रा पहुँच चुकी है देवी मंदिर स्थान में, और इससे आगे लोग प्रस्थान कर रहे हैं। भारी भरकम महिला दल यहाँ पर मौजूद है। के पास ही छोड़ देते थे। यहाँ पे माँ देवी भागवत होना है और ये यात्रा आ रही है पीछे, और हम लोग पहले आ गए क्योंकि मेरे पास कुछ सामान था। दिखाता हूँ आपको कैसा नजारा रखा है मैया का मंदिर। मैया का भी मंदिर है यहाँ पे, भोलेनाथ का भी मंदिर है, और साथ में बालाजी जी भी हैं यहाँ पर ही। तैयारी दोस्तों सब हो चुकी है, फिलहाल थोड़ी कुछ बची है बस, बाकी साउंड वाउंड सब सेट हो रहा है, देख सकते हैं आप। नमस्कार भाई, अंकल जी आप बताओ। हाँ दोस्तों, पहले यात्रा हो चुकी है देवी मंदिर प्रांगण में। दोस्तों फाइनली कलश यात्रा से आने के बाद अब मैं फिर से जा रहा हूँ मंदिर, थोड़ी देर कथा सुन के आते हैं, फिर आते हैं घर को टाइम से, फिर देखेंगे कि हमने क्या करना है, क्योंकि शाम को टाइम से आके देखते हैं शायद गेम वेम भी खेलें। और तो चलते हैं मंदिर, तो आपको मिलता हूँ सीधे मंदिर के आसपास ही मिलूंगा मैं, तो चलते हैं। पुराणानि मृतानि
दोस्तों फाइनली मैं मंदिर से होके आ चुका हूँ और मम्मी और भाभी गए हैं अभी, और इस समय मैं घर पर अकेला ही हूँ। तो चलते जानवर बाहर है, उन्हें जरा पराल वराल डालते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। शायद आज शाम को मंदिर भी जा सकते हैं कीर्तन में। तो चलते हैं, आज जानवर को डालते हैं पराल वराल, क्योंकि बहुत देर से आवाज लगा रहे हो। चलते हैं उनके पास। दोस्तों इन तीनों को इतनी बेचैनी है, माँ इनकी बैठी पड़ी है लेकिन ये दोनों खड़े हैं, और एक छोटा वाला भी खड़ा है इनके साथ साथ। दोस्तों पराल वराल डाल दिया इनको, और मौसम भी ख़राब हो चुका है। जैसे कि आपको पता था कि मैंने आपको बताया था कि 24 तारीख को बहुत बारिश बताई है, बारिश की आशंका थी, और मौसम ख़राब होना शुरू हो चुका है। और इससे क्या होगा कि अगर अभी पड़ेगी तो इससे फसल को काफ़ी नुकसान पहुँचेगा। तो किसान लोग तो यही चाहेंगे कि बारिश ना हो, चूँकि बे टाइम की बारिश है। अगर ये जिस टाइम पर फसल को इसकी ज़रूरत थी, अगर उस टाइम पे ये बारिश होती तो इससे गेहूं की फसल को काफ़ी फ़ायदा मिलता है। लेकिन ये उस समय की बारिश है जिससे कि फसल को फ़ायदा तो कुछ नहीं, नुकसान ही होगा, क्योंकि पहले दो दिन की बारिश से सारा गेहूं गिर चुका है, और अब जो ये बारिश पड़ेगी तो अब की बार में पूरे गेहूँ को सड़ा ही देगी, क्योंकि पानी इकट्ठा हो जाएगा खेतों में और जानवर हमारे खा रहे हैं। दोस्तों यही काम हो रहे हैं आजकल। पहले तो मैं गया था कलश यात्रा में, फिर वहाँ से घर आया, मैं थोड़ी देर भागवत में गया, फिर उसके बाद अभी गए हैं आपका मम्मी लोग गए हैं, और मैं हूँ अकेला घर पर। देखते हैं अभी, मैंने अमन को बुलाया है, अमन शायद आ चुका है, अमन नहीं सौरभ आया है, देखते हैं अभी। सौरभ इधर आ। तो आजकल ऐसे ही दिन कट रहे हैं बच्चों के साथ, बढ़िया हो रहा है, गेम भी हो जा रहा है और इनके साथ टाइम पास भी बढ़िया हो रहा है। अभी अमन आएगा, अमन देखते हैं क्या गया, कुछ ना कुछ बहाने अमन भी लगाएगा, अभी बुला रखा उसे। कान पे दूंगा, बोल देगा। अतुल अतुल
तो फाइनली मम्मी लोग आ चुके हैं घर। अब मैं जरा कुट्टी उट्टी काटता हूँ, फिर चलेंगे जरा घूमने के लिए। तो आज खेलने रोमांच बननी है, कुट्टी उट्टी काट दी है दोस्तों। मेरे यहाँ पहले लोग क्योंकि मेरा फोन की बैटरी लो हो चुकी है और लाइट आई नहीं है। मैं फोन चार्ज लगाऊंगा फिर आपको शाम को मिलूंगा। चलिए मिलते हैं आपको शाम को। दोस्तों फाइनली हम मंदिर से होके आ चुके हैं क्योंकि रात में भजन कीर्तन होता है वहाँ पे, तो मंदिर से होके हम आ चुके हैं। तो इस वीडियो को मैं करता हूँ यहीं पर एंड और आपको मिलता हूँ कल सुबह। तब तक के लिए नहीं, सब ध्यान रखिएगा अपना।